हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल नीतू स्पेशल किचन। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल रेसिपी। ये झारखंड की फेमस मिलोना रोटी है और इसके साथ जो आलू की सब्जी बनाई जाती है और धनिये की चटनी बनाई जाती है साबुत धनिये की, वो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनानी बताऊंगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, हालांकि आज के समय में लोग इसे बनाना ही भूल गए हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले आलू की सब्जी रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने कुकर को गैस पर रख दिया और गैस ऑन करके अब हम लोग इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तो तेल के गर्म हो जाने पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा 1/2 चम्मच और 1/4 चम्मच हींग। अब हम लोग जीरा क्रैकल होने पर हम लोग इसमें 1 तेजपात का पत्ता डालेंगे, मेरा बड़ा है तो मैं इसलिए हाफ हाफ करके डाल रही हूँ, और 1 साबुत लाल मिर्च। अब इसको हम लोग भून लेंगे और इनके भुन जाने, जब तक ये भुनती है मतलब इनके भुन जाने तक हम लोग इसको 2 हरी मिर्च को और थोड़े से अदरक को दरदरा कूट लेंगे। इसमें प्याज और लहसुन नहीं डलता है तो ये मैंने दरदरा कूट लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुकर में, अब ये हमारी मिर्च भी भुन चुकी है और जीरा भी भुन चुका है। मैंने इसमें ये 2 आलू छील कर काट कर अच्छी तरह धो लिए थे, मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पहले टमाटर भून सकते हैं फिर ये आलू डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से आलू बनते हैं तो मैं वही आपको बनाने बता रही हूँ। अब 1 मिनट के लिए हम लोग इन आलू को इसमें भून लेंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम लोग दरदरा कुटा हुआ हरी मिर्च और अदरक ऐड करेंगे और इसको भी हम लोग भून लेंगे। अब हम लोग इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, बहुत ही सिंपल मसाले डालते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मेरी ज्यादा तेज नहीं है इसलिए मैंने 1/2 चम्मच डाली है, नहीं तो आप 1/4 चम्मच डाल दें यदि आपकी तेज है। मैंने ये 2 टमाटर को कद्दूकस किया हुआ था, आप इसको काट कर ना डालें, इसी तरह काट पीस कर या फिर कद्दूकस करके डालें, सिर्फ कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम लोग अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें ऐड करेंगे नमक और टेस्ट अनुसार और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम लोग इसको टमाटर को आलू के साथ अच्छी तरह भून लेंगे साइडों से घी रिलीज होने तक। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ 1 गिलास, बस आप 1 ही गिलास ऐड करें, इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होता, बस थोड़ा हल्का हल्का पानी होता है, एकदम गाढ़े भी नहीं होते। अब मैं इसमें 2 सीटी लगा लूंगी, इसको मैं बंद कर देती हूँ और 2 सीटी लगा लेती हूँ। कुकर में सीटी आ चुकी है, अब हम लोग आटा रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है, इसी कप से मैं लूंगी 1 कप बेसन। आपको जितना आटा लेना है उतना ही आपको बेसन लेना है, मतलब दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन, इस तरह क्रश करके डालेंगे जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी हम लोग इसमें ऐड करेंगे कलौंजी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच देसी घी, मतलब आपको सिर्फ इसमें देसी घी यूज करना है, रिफाइंड यूज नहीं करना है, मतलब ट्रेडिशनल जो रेसिपी है उसमें देसी घी ही यूज होता है। मेरा मेल्ट किया हुआ नहीं है इसलिए मैं थोड़ा छोटा चम्मच डाल रही हूँ, यदि मेल्ट किया हुआ है तो 3 चम्मच बहुत रहेगा। अब इसको पहले हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जैसे कि हम लोग मून लगाते हैं, तो इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे, फिर उसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे। पानी एकदम नहीं डालना है क्योंकि हमें इसका जैसे मट्टी का डो होता है ना ऐसा कैडर डो रेडी करना है, तो अब हम लोग पहले इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। और इसका एक डो रेडी कर लेंगे। आप इसका डो पतला ना करें नहीं तो रोटी में क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, मतलब बहुत ही बेकार रोटी बनेगी, मतलब हम लोगों को जो रेसिपी रेडी करनी है वो नहीं बन पाएगी। तो अब ये देखिए, अब इतना कैड़ा है ना, अब मैं इसको हल्के गीले कपड़े से ढककर रख देती हूँ, बहुत हल्का गीला होना चाहिए, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। इतने हम लोग पहले धनिया की चटनी रेडी कर लेते हैं। इसमें साबुत धनिया लेंगे 2 चम्मच, इसको तवे पर हम लोग कलर चेंज होने तक भून लेंगे, बहुत ज्यादा काला भी नहीं करना है, लो फ्लेम पर। ऐसे ही आपको ये देखिए कलर चेंज हो रहा है ना, बस इसी कलर चेंज होने तक हम लोगों को इसको भूनना है। अभी हमारा धनिया भी भुनकर रेडी है,
अब हम लोग इसको बाहर कटोरी में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब ये ठंडा हो गया है तो मैं इसको पीस लेती हूँ। मतलब इसको ना सिर्फ हम लोगों को दारी मतलब सॉरी दर दरा पीसना। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, जितना आपका धनिया हो उसी अकॉर्डिंग। अब हम लोग इसको दर दरा पीस लेंगे, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, बस दर दरा। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है, ये देखिए मैंने दर दरा पीसा। अब हम लोग सब्जी चेक कर लेते हैं। इसे मैंने पीस कर साइड में रख दिया था। सब्जी हमारी भी बनकर रेडी है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऊपर से हरा धनिया। हरा धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप हरा धनिया जरूर ऐड करें और डंडी समेत ऐड करें, खाली पत्ते ना डालें। जो फ्लेवर डंडियों में होता है वो पत्तों में नहीं होता, तो इसलिए दोनों डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप आलू ज्यादा फोड़े नहीं, बस एक दो हल्के हल्के फोड़ दें, जिससे कि सब्जी में थोड़ा गाढ़ापन आ जाए। तो सब्जी भी हमारी रेडी है। अब हम लोग आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा भी हमारा रेडी है। अब इसमें एक दो मुक्की मार लेते हैं, मतलब कि एक दो पंच मार लेते हैं, जिससे आटा ना और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग लोई तोड़ लेंगे। इस आटे में लगभग चार ही रोटी बनेंगी, क्योंकि ये थोड़ी मोटी बनती है। तो अब मैं इसमें से ऐसे लोई तोड़ लेती हूँ और इस तरह हाथों से मल लेती हूँ। हाथों से मलने से क्या होता है, ये आटा और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए आप कितना सॉफ्ट है ना। अब हम लोग इसको बेल लेते हैं। तो आप अब देखिए, ना तो मैंने इसमें सूखा आटा लिया है, ना ही मैंने इसमें घी लिया। ऐसे हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको बहुत आराम से बेल लेंगे। ये देखिए कितने आराम से बेल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ना इसमें सूखा आटा है ना इसमें घी है। उसके बाद भी कितने आराम से बेल रही है, क्योंकि हमने इसमें मोन लगाया हुआ है, तो इसको हमें बेलने में भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आ रही है आपकी तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर ले, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम लोग ये रोटी इस पर डाल देंगे और उसके बाद इसको जब ये एक साइड से सिक जाएगी तो हम इसको पलट देंगे। अब हम लोग इस साइड इसके दूसरी साइड से सिक चुकी है नीचे से, तो हम लोग इस पर देसी घी लगाएंगे। वैसे ये देसी घी में ही बनती है, बाकी आप चाहें तो रिफाइंड में भी सेक सकते हैं। अब हम लोग एक साइड घी लगा लेंगे। इसमें आप चाहे जितना भी घी लगा लो, दिखेगा तो है नहीं, क्योंकि ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम लोग व्रत में कुट्टू के आटे के पराठे बनाते हैं, तो उस पर जितना भी घी लगा लो वो हमें पता ही नहीं चलता, वो एज इट इज ऐसे ही सफेद सफेद रहते हैं, ऐसे ही ये रहते हैं। तो मैं दोनों साइड घी लगा लेती हूँ अच्छी तरह और इसको क्रिस्पी, मतलब क्रिस्पी तो ये बहुत ज्यादा नहीं होते, इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं करना है, बस इतना ही सेकना है। इतना सेकने तक मैं इसको सेक लेती हूँ। तो ये हमारा बन के रेडी है। ऐसे ही मैं दो सेक लेती हूँ, बाकी मैं अभी थोड़ी देर में सेक लूंगी। अब हम लोग इसको सर्व करते हैं। ये मैंने दी है हरी मिर्च की राई वाली हरी मिर्च, और ये हम लोग सर्व करते हैं। ये मैंने धनिया लिया है जो मैंने पीसा था चटनी के लिए, और इसमें बीच में डालेंगे सरसों का तेल। अब हम लोग सब्जी ऐड कर लेते हैं इसमें। मैंने लाल मिर्च इसमें रखी थी, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा खाने में टेस्ट आता है। तो लीजिए हमारी मिलोना रोटी, सब्जी और चटनी बनकर रेडी। आप एक बार जरूर ट्राई करें।